नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम से लाइव और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जी हां, आतंकी संगठन आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी मरा नहीं है। अमेरिका और साथ ही रूस के हवाई हमलों के बावजूद वो जिंदा है। इस रिपोर्ट में देखिए। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आज का वीडियो किस टॉपिक पर बेस्ड है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो जाइए फटाफट से वीडियोस को देखिए और उन्हें आगे भी जरूर बढ़ाइएगा। और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर वो आपने मिस किया तो जो भी आने वाला वीडियो है वो आपसे मिस हो सकता है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि एंकर न्यूज कैसे पढ़ता है, तो मैंने उसको लेकर वीडियो बनाए, आपको दिखाया भी। कई सारे लाइव मेरी एंकरिंग के वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं जो कि आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन न्यूज रूम का जो शो होता है, जब न्यूज रूम लाइव होता है, उस दौरान एंकर किस तरह से एंकरिंग करता है, आप लोग के मन में ये भी सवाल था। बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था कि बताइए न्यूज रूम में भी क्या टीपी होती है, क्या एंकर हमेशा टीपी देखकर ही एंकरिंग करता है? तो सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंकर अगर हमेशा टीपी देखकर ही एंकरिंग करे तो वो एंकर नहीं बल्कि टीपी रीडर कहलाएगा, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक एंकर के लिए बड़ी शर्म की बात है अगर वो बिना टीपी के एंकरिंग नहीं कर सकता है। तो हमेशा आपको इस तरह से अपने आप को रेडी करना है कि अगर आपके पास टीपी नहीं है तो आप एंकरिंग कैसे करेंगी। और देखिये, न्यूज रूम लाइव जो होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगी कि शाम 6 बजे स्पेशल रिपोर्ट आता है आज तक पर, अंजना ओम कश्यप जी लेकर आती है, जो न्यूज रूम से ही हमेशा करती है, मतलब 99% वो न्यूज रूम से ही होता है। देखिए, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमेशा स्टूडियो में प्रॉपर डीडी के जमाने में हम प्रॉपर ऐसे बैठते थे, साड़ी में एंकर्स बैठते थे और प्रॉपर वहां पर एंकरिंग होती थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है तो कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती जा रही है, अलग अलग स्वरूप बनते जा रहे हैं, अब चलते फिरते बुलेटिन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग पैटर्न में कर रहे हैं, फील्ड से जाकर इवन बुलेटिन हो रहे हैं अब तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो न्यूज रूम लाइव इसीलिए बनाया गया है ताकि थोड़ा सा स्क्रीन को और सजाया जा सके और अच्छी स्क्रीन लग सके और रियल आपको दिख सके। देखिए, न्यूज रूम वो जगह होती है जहां पर सारा काम होता है, यानी एग्जांपल अगर ऐसे दिया जाए कि जहां पर खाना बनता है यानी किचन, उसके बाद आपके पास डाइनिंग टेबल तक परोसा जाता है, लेकिन जो मेन जो रॉ वर्क हो रहा है वो पूरा का पूरा किचन में हो रहा है। तो उसी तरह न्यूज रूम का जो स्टूडियो होता है, मतलब न्यूज चैनल का, वो होता है बिल्कुल पेश करने की जगह जहां पर खबरें आप तक पेश की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। लेकिन न्यूज रूम वो जगह होती है जहां पर खबरें बनाई जाती हैं, खबरें लिखी जाती हैं और पूरा काम न्यूज रूम में ही होता है। तो वहां पर आप देखते होंगे पीछे बहुत सारे टेबल चेयर कंप्यूटर्स होते हैं, लोग बैठे होते हैं, हर कोई बिजी होता है, अपना काम कर रहा होता है, उसे हम न्यूज रूम कहते हैं। लेकिन एंकर वहां पर एंकरिंग कैसे करता है? देखिए, जैसे हमेशा आप कभी भी अगर एज अ फ्रेशर आपने ज्वाइन किया है, आप नए नए एंकर बने हैं, तो आपको न्यूज रूम लाइव नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस्ड होना जरूरी होता है और आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब सपोज कोई खबर है कहीं पर कुछ हुआ है, मतलब किसी नेता ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया, एक एग्जांपल दे रही हूं आपको, बड़ा नेता है और बड़ी पार्टी है, इस्तीफा दिया गया है। अब उस नेता के बारे में वो खबर आपको पढ़नी है, उस पर पैकेज रेडी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शकों को ये बताना है कि आज इस पार्टी के नेता ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या वजह रही होगी, क्यों इस्तीफा दिया गया, इसमें चलिए आपको ये हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लेकिन आपको इतना जो बोलना पड़ेगा वो अपने आप से बोलना पड़ेगा। कई बार आप देखते होंगे जब हम न्यूज रूम लाइव करते हैं तो हमारे हाथ में एक पेपर होता है, अब वो पेपर क्या होता है, इस पेपर में ही वो स्क्रिप्ट लिखी होती है। अब हम जब ऑन एयर, मतलब ये लाइव बुलेटिन होता है, कभी भी ये रिकॉर्ड नहीं करते, हमेशा हम लोग लाइव करते हैं, हम लोग चलते फिरते ये शूट करते हैं, हम चल रहे होते हैं, हमें कैमरामैन फॉलो कर रहा होता है प्रॉपर, और हमारे हाथ में जब स्क्रिप्ट होती है, इसे हम ऑन एयर आने से ठीक महज 10 या 15 सेकंड पहले देखते हैं, पढ़ लेते हैं कि अगली खबर ये है, अगली खबर हमें इस्तीफे वाली पढ़नी है जहां पर इस नेता ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है। अब हमने वो खबर पढ़ी और जैसे ही हमारे कान में इंस्ट्रक्शन आया क्यों, तो हमने उस पेपर को ऐसे बंद कर दिया और हमने कैमरे में देखकर ये बताना चालू कर दिया कि नेता ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह रही और क्यों ये इस्तीफा दे दिया गया है, चलिए इस रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद हम स्क्रीन से हट जाते हैं और तुरंत ही वो जो पैकेज बनाकर रखा गया है वो स्क्रीन पर आ जाता है, यानी इस तरह से न्यूज रूम लाइव शूट होता है। देखिए, न्यूज रूम लाइव के दौरान आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, आपके आसपास लोग काम कर रहे होते हैं तो आपको कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना है, अपनी खबर पर बने रहना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है या फिर फंबल नहीं मारना है, क्योंकि बुरा, मतलब बहुत बेकार लगेगा अगर आप ऐसे एंकरिंग करेंगे तो।
कॉन्सेंट्रेशन आपको बनाना है, आपका नॉलेजेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको खबर ही नहीं पता है किस नेता ने किस पार्टी से इस्तीफा दिया है, क्यों दिया है, तो आप उस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। सोचिए आपके पास टाइम नहीं है, आपने एक खबर पढ़ी, उसके बाद जो पैकेज था वो महज एक मिनट का था, जिस दौरान आप अगली खबर पढ़ ही नहीं पाए, आपको पता ही नहीं था कि अगली खबर में है क्या। तो थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ लिया है और आपको पता है कि ये खबर है, तो आप उसे अपने मन से बता देंगे। जैसे मुझे पता है कि हाँ ये खबर है और मुझे ये बतानी, अपने दर्शकों को बतानी है, मतलब मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में आज ऐसा ऐसा हुआ है, आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, सपोज ये एग्जांपल दे रही हूं, तो मुझे पता है कि हाँ आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, सीएम योगी यहां पर जाएंगे, इस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, मैंने इस तरह से अपने दर्शकों को बता दिया, तो ये मेरे लिए इजी हो गया। अगर मुझे नहीं पता होता कि उत्तर प्रदेश दिवस क्या होता है, क्यों मनाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है, कौन इसमें शामिल होगा, किस तरह से मनाया जाएगा, तो मैं इस खबर के बारे में कुछ भी अपने दर्शकों को नहीं बता पाती। इस वजह से न्यूज रूम लाइव में हमेशा एंकर को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, और न्यूज रूम लाइव कभी भी एक फ्रेशर एंकर को नहीं दिया जाता है। अगर आप कभी भी न्यूज रूम लाइव कीजिएगा तो हमेशा पहले खूब सारी तैयारी करके जाएगा, अपने स्क्रिप्ट को कम से कम 10 बार पढ़िएगा, ताकि आपसे न्यूज रूम लाइव करने के दौरान गलती ना हो। हालांकि जब हम लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं, मतलब अगर 2-3 साल का भी एक्सपीरियंस आपको हो गया, तो आप गलती नहीं करेंगे, और बड़ा मजा है न्यूज रूम लाइव करने में। मतलब चलते फिरते हमारे आसपास लोग काम कर रहे हैं और हम चल रहे हैं, हमारे पीछे कैमरामैन है जो हमें फॉलो कर रहा है, मतलब वो मूविंग कैमरामैन होता है, मतलब इन द सेंस कि स्टैंड अप एक फ्रेम नहीं बनाते, हम चलते रहते हैं न्यूज रूम लाइव, अलग अलग दिखाते रहते हैं, कभी ये फ्रेम बना लिया, कभी वो फ्रेम बना लिया, काफी अच्छा लगता है टीवी पर। तो इस वजह से न्यूज रूम लाइव को अब फिलहाल ट्रेंड में लाया गया है। और जब मैं अगर अपनी बात करूं, स्पेशली मैं न्यूज रूम लाइव बहुत एंजॉय करती हूं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिना टीपी के एंकरिंग करना एक एंकर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। इस वजह से हमेशा न्यूज रूम लाइव सीखने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा जब भी आपके सीनियर्स न्यूज रूम लाइव करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप बताइएगा किस कैसा लगा। और बहुत सारे लोग देखे मुझसे ये सवाल करें कि मैं लाइव कब आऊंगी, तो आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक लाइव आऊंगी, और पूरी जानकारी उसमें भी आपको बहुत सारे आपके सवालों का जवाब दूंगी। इस वजह से आप लोग परेशान मत होइए, मैं लाइव आऊंगी, आप लोगों के साथ बातचीत करूंगी, आपके सवालों का जवाब भी पूरी तरह से वहां पर दूंगी। बाकी तब तक के लिए आप ये वीडियोस देखते रहिए, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इन्हें आगे जरूर बढ़ाइएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। गौसेफ गरिमा के साथ बने रहिए।